अच्छा ये बताएं, आप ये बता दें थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मा गति, अच्छा इसमें हम लोगों ने कितने लॉ पढ़े भाई? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? चौथा कौन सा? अच्छा आप बता दें जो शून्यांक की नियम है जीरो का, किन दो बातों के बारे में बता रहा है? किसके बारे में? टेंपरेचर और सामान्य, यानी कि ताप और तापी सामान्य बारे में। अच्छा इसके बाद बता दें कि जो फर्स्ट लॉ होता है, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है? अच्छा इसके फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जितनी भी उसमें हमने ली सारी के सारी किसको देंगे? यानी कि ताप भी बढ़ेगा और आयतन भी बढ़ेगा, सही है कि नहीं? अच्छा इसके बाद आपने बताया आंतरिक ऊर्जा को कौन बताता है, फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ? फर्स्ट लॉ। आप बताओ डायरेक्शन हीट की कौन बताता है, फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ? आप बताओ एंट्रोपी के बारे में कौन बताता है? अच्छा इसके बाद आप बताएं कि हम लोगों ने फर्स्ट लॉ में कितने प्रोसेस पढ़े भाई? चार। कितने प्रोसेस पढ़े? चार। पहला कौन सा? आइसोथर्मल। दूसरा? आइसोथर्मल। तीसरा? आइसोथर्मल। चौथा? मेरे साउंड आप तक पहुंच रहे, एग्जांपल कौन सा? यानी कि रोज और प्रकरण, ठीक। अच्छा आप बताओ अगर कुकर में खाना बन रहा है, एग्जांपल आइसोथर्मल, समातनिक या संधावी? इसके बाद बताए अगर मैं यहाँ पर खाने को गर्म करूँ तो एग्जाम्पल संधावी, यानी कि आइसोथर्मल, ठीक। अच्छा आप बताओ आइसोथर्मल स्लो या फास्ट? स्लो। कैसी प्रोसेस है? टायर का फटना कैसी प्रोसेस है? एडियाबेटिक। कैसी है? एडियाबेटिक। अच्छा इसके बाद बोलेंगे CO2 बन रहा है, कौन सा प्रोसेस? फ्रुक्टोज। कौन सा? फ्रुक्टोज। अच्छा अगर बताएं वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहे, आयतन अगर नियत रहे, तो प्रकरण कितना होगा? जीरो। कितना होगा भाई? जीरो। अच्छा इसी का स्लोप कितना हो जाएगा? कितना जाएगा भाई? समदाबी आइसोबारिक का स्लोप बताओ? जीरो। जीरो। कितना होगा? जीरो। आइसोथर्मल यानी कि समदाबी का स्लोप कितना होगा? माइनस का पी अपॉन बी। अच्छा तो दोस्त का बता दो, गामा इनटू माइनस पी अपॉन बी, सही है कि नहीं? अच्छा अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रोसेस कौन सा? आइसोबैरिक। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक। टेंपरेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल। अच्छा इसके बाद बोले अगर मान लो हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रही, प्रोसेस एडियाबेटिक यानी कि रुकोस, ठीक है ना? आप बता दो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू, प्रोसेस डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू, प्रोसेस आइसोथर्मल। कौन सा? आइसोथर्मल। अच्छा डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू, प्रोसेस आइसोथर्मल। कौन सा? आइसोथर्मल। अच्छा ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा? कौन सा प्रोसेस? कौन सा? एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी डेल्टा डब्ल्यू बराबर माइनस डेल्टा यू, ठीक है ना? किसमें प्लॉट नहीं बदलता? बताओ आइसोथर्मल। आज हमने कौन सा पढ़ा है? सेकंड लॉ। कौन सा पढ़ा? सेकंड लॉ। क्या कभी किसी भी इंजन की दक्षता एफिशिएंसी 100% हो सकती है? नहीं हो सकती। जितने भी हीट कोई भी इंजन लेगा क्या वो पूरी पूरी प्रकरण में कन्वर्ट करेगा? नहीं करेगा। यानी Q1 बराबर W होगा क्या? कुछ ना कुछ हीट किसको देनी पड़ेगी? अच्छा किसी भी इंजन में कितने पार्ट होते हैं भाई? पहला कौन सा? दूसरा? तीसरा? अच्छा सोर्स हमेशा हाई टेंपरेचर पर। कौन सा कार्य पदार्थ में कौन कौन ले सकते हैं? कौन कौन? अच्छा बात करें बेहतरीन इंजन कौन सा होगा? इसके बाद परसेंटेज बताएं डीजल का, पेट्रोल का, अच्छा इसके बाद स्टीम का, एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है बताएं? एक साथ 100% 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
थी, किसकी सबसे इनफिनाइट होती है बताएं? इनफिनाइट थर्मल है। बात करें फ्रिज की, तो आप बताओ फ्रिज में हीट कहां से कहां जाती है? सोर्स से या सिंक से? सोर्स। अच्छा, बोले सिंक से अगर हीट जाएगी तो आप बताओ बाहर से काम करना पड़ेगा या अपने आप होगा? एक्सटर्नल वर्क होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसके बाद बोले फार्मूला क्या होगा इस वाला गुणांक का? बीटा इज इक्वल टू कितना?
आप कितना हो जाएगा? नेक्स्ट पादन गुणांक है पूजा परफॉर्मेंस, कितना था? 2 अपॉन q2 अपॉन q2 सही है कि नहीं? अच्छा, इसके बाद बोले कि हम लोगों ने पढ़ा है क्या? हम लोगों ने पढ़ा है कार्नो इंजन। अच्छा, कोई भी इंजन है, कार्नो इंजन नहीं है, कोई भी इंजन है वो किन दो बातों पर डिपेंड करेगी? एक इस पर सोर्स और सिंक के तापमान, और दूसरा इस पर कार्यकारी पदार्थ। सही है कि नहीं? अच्छा, आप बताओ कार्नो इंजन की दक्षता किस पर काम करेगी? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और सोर्स। सही है। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा है तीसरा नियम, कौन सा नियम भाई? तीसरा नियम। और थर्ड लॉ किसके बारे में बताता है? एंट्रोपी। मतलब एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? अच्छा, आप बताएं बर्फ से पानी बनता है, एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी? एंट्रोपी बढ़ेगी। अच्छा, किसी भी चीज को गर्म कर रहा है, एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। अच्छा, पानी से बर्फ बनेगा तो घटेगी, क्या होगी भाई? घटेगी। बात सही है। अच्छा, इसके बाद बोले कि जीरो केल्विन पे एंट्रोपी कितनी होगी? जीरो। यही क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर। सही है कि नहीं? सब क्लियर है ना भाई? ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं तक। ओके, गॉड ब्लेस। Yes, yes. Yeah.